Hi, welcome back. So now we'll talk about reduction of carbon and compound into hydrocarbon. Two name reactions will be there, hence it becomes obviously important. The condition is Wolff-Kishner reduction or the Clemmensen reduction or reduction with the red phosphorus and hydroiodic acid. Tino conditions mein ek hi common change hai, and that is hamare paas hai carbonyl compound. This is the carbonyl compound we have. और इस carbonyl compound में जब हम ऊपर में कोई भी एक condition use करते हैं, हम use करते हैं zinc amalgam and hydrochloric acid, या फिर हम use करते हैं hydrazine and KOH, ठीक है, carbonyl compound reacted with hydrazine, then boiled with KOH and high boiling point solvent like ethylene glycol, या फिर हम use करते हैं red phosphorus HI. Any of these three condition when used, all you need to do is this both the bonds will break CH2 plus H2O. So product will be a hydrocarbon. So carbonyl compound will be reduced to the hydrocarbon. So let's take an example. हमने लिया benzaldehyde. And hydrazine or KOH, मतलब Wolff-Kishner reduction, zinc amalgam और hydrochloric acid, मतलब Clemmensen reduction, और red phosphorus HI. इन तीनों conditions में हम जब इसको heat करेंगे तो reactant की structure देखो, ये as it is रहेगी, लेकिन ये दोनों bond break हो जाएंगे. तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन आ गए, बन गया H2O, और इस हाइड्रोजन के साथ में भी दो हाइड्रोजन और आ गए, तो प्रोडक्ट बन गया टोल्यूइन, मतलब हाइड्रोकार्बन बन गया. ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन से दो हाइड्रोजन लगाने हैं, ऑक्सीजन से भी दो हाइड्रोजन लगाने हैं, एज सिंपल एज दिस, और कुछ नहीं करना है. यहां देखो, इस पर्टिकुलर केस में यहां पे अगेन क्या करना है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो. ठीक है, दो हाइड्रोजन अटैच कर दो कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन अटैच कर दो ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो दो हाइड्रोजन हमने अटैच किया कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन हमने अटैच किया ऑक्सीजन के साथ. तो दैट इज यू हैव गॉट hydrocarbon plus water. What are the conditions being provided? Same conditions being provided here also, right? Now I take aliphatic aldehyde. With this aliphatic aldehyde, I provide the same condition: hydrazine and KOH and ethylene glycol. Wolff-Kishner की कंडीशन हो जाएगी, जिंक एमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लेमेंसन रिडक्शन की कंडीशन हो जाएगी, रेड फॉस्फोरस एचआई, ये हमारे रेड फॉस्फोरस एचआई रिडक्शन कंडीशन हो जाएगी. तो तीन कंडीशंस में, तीन में से कोई भी एक कंडीशन प्रोवाइड करो. सिंपली क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना. CH2 plus H2, that's it. So that is CH2 plus H, that is CH3. मतलब product बन गया propane. As simple as this. Next देखो, हमने butanone लिया, चार carbon का ketone. Same conditions provide किए. क्या करना है? Carbon oxygen का pi bond break करना है. यहां पे दो हाइड्रोजन और यहां पे भी दो हाइड्रोजन. ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गया ब्यूटेन. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन, वी कॉल इट एज एन क्लेमेंसन रिडक्शन, Wolff-Kishner रिडक्शन, और रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस एन एच आई. नाउ सी हियर,
वन मोर कंडीशन देखो, सपोज हम एक्सक्लूसिवली बात करते हैं सिर्फ वल्केंस्टीन रिडक्शन की, हमने लिया प्रोपेनॉल, तो सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या है? एक अमोनिया डेरिवेटिव है, NH2 बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कैसी होती है? यहां से दो हाइड्रोजन जाएंगे, यहां से एक ऑक्सीजन जाएगा, मतलब -H2 हो जाएगा। राइट द रिएक्टेंट अगेन, CH3 CH2 CH, ये आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दिया, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2। तो यू हैव गॉट हाइड्रेजोन, हाइड्रेजन से बन गया हाइड्रेजोन, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रिएक्ट किया KOH के साथ, बॉइल किया इन अ हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और सॉल्वेंट थोड़ा हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट लिया है, लेकिन जैसे इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल इज CH2CH2OH, ठीक है। तो सिंपली याद रखने के लिए, मैकेनिज्म नहीं है लेकिन याद रखने के लिए, ये दो नाइट्रोजन निकाल दो और ये दो हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगी, तो बन जाएगा CH3CH2, और ये दो हाइड्रोजन आपने यहां लगा दिया, दो नाइट्रोजन, दैट इज N2, प्रोडक्ट बन गया प्रोपेन, ठीक है। नाउ If I do the Clemmensen reduction, ठीक है, so Clemmensen reduction में suppose I take acetone CH3 C double bond O CH3, what is the role of zinc amalgam and HCl? क्या करते हैं zinc amalgam and HCl, कैसे reduce करते हैं? So zinc amalgam और concentrated HCl को जब react करोगे, बहुत simple reaction है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, वो इस पाई बॉन्ड को और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH3+H2O, ठीक है। अगर हमने यूज किया होता, लेट्स से वापस एक बार प्रोपेनॉन ले लेते, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और रिएक्ट करते हैं HI के साथ। एक्चुअली HI हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज होके बनाता है H2+I2, 2HI gives H2+I2, I need 4 हाइड्रोजन, 2 फॉर द कार्बन एंड 2 फॉर द ऑक्सीजन, सो आई विल राइट 4HI, ठीक है। टेम्परेचर अराउंड 423 केल्विन, तो CH3 C bond CH3 और यहां पे आ जाएंगे हाइड्रोजन H2, यहां पे आ जाएंगे हाइड्रोजन, दैट इज H2O एंड 4 आयोडीन है, तो बनेगा 2I2। दिस इज अ प्रॉब्लम, ये आयोडीन वापस हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगा तो आयोडाइड बना देगा, 2-iodopropane बना देगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा है ये रिएक्शन में, तो इसको रिमूव करना जरूरी है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस। जैसे ही आयोडीन बनता है, रेड फॉस्फोरस इस आयोडीन को एब्सॉर्ब कर लेता है और Pi3 बना लेता है। फॉस्फोरस प्लस आयोडीन गिव्स Pi3, दैट इज हाउ इट रिमूव्स द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज द रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट कॉपी दिस थिंग, राइट, पॉज द वीडियो, कॉपी दिस थिंग, देन अगेन पॉज, कॉपी दिस पर्टिकुलर पार्ट,
डोंट सिंपली कॉपी द एंटायर रिएक्शन, एक बार कंडीशंस देख लो, रिएक्टेंट्स नोट कर लो, उसके बाद ये सभी प्रोडक्ट्स अपने आप बनाने का ट्राई करो. एंड द लास्ट दिस थिंग वी कॉपीड, एंड दिस इज वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन फॉर एनी लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली नीट, जेई मेन्स और फॉर द बोर्ड एग्जाम. फॉर एनी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ऑलमोस्ट कन्फर्म फॉर द एग्जाम क्वेश्चन. सो प्रिपेयर इट नाइसली. ओके, होप यू एंजॉयड द लेक्चर.